गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास सेकंड चैप्टर नंबर 70 सेफ्टी ऑन द रोड पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हेन मूविंग ऑन द रोड स्पेशली इन अ बिग टाउन एंड सिटीज वी हैव टू बी केयरफुल। जब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जब भी हम रोड में जाते हैं या तो बिग टाउन्स में या सिटीज में, शहरों में अगर हम जाते हैं, खासकर जब हम लोग शहरों में जाते हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? दीज रोड आर फुल ऑफ व्हीकल एंड अ लिटिल केयरनेस मे कॉज एन एक्सीडेंट। ये सारे जो रोड होते हैं वो बहुत सारे व्हीकल से भरे होते हैं। व्हीकल मतलब कार, बाइक, साइकिल, ये सब जो होते हैं इन्हें व्हीकल कहते हैं। तो इन सबसे ही भरे हुए होते हैं और छोटी सी हमारी लापरवाही से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना ये पिक्चर में फ्रेंड्स, देखिए जा रहे थे, देख नहीं रहे थे और आई कार और इनको टक्कर मार दी। ऐसे ये होते हैं, थोड़ी सी हमारी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। टू अवॉइड एक्सीडेंट वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल। एक्सीडेंट को हटाने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। क्या है वो सेफ्टी रूल्स? टू बी फॉलोड ऑन द रोड आर, जो सेफ्टी रूल अगर हम रोड में फॉलो करें वो सब क्या है? वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। जैसे आप फुटपाथ पे चल रहे हैं, तो अगर आप रोड पे से जाएंगे तो आपकी कोई कार, बहुत सारी व्हीकल्स आती हैं इस समय, तो कोई ध्यान भी नहीं देता क्या हो रहा है। उन लोग को बहुत जल्दी रहती है, सबसे ज़्यादा जल्दी उन लोग को ही रहती है। वो लोग जैसे यहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ से वो कार आए, आपको धक्का मार दी, तो ये एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो एक और है, आप जब जाने लगे तो पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, या तो पहले लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, ऐसे देख लिया करें फिर रोड को क्रॉस किया करें, या तो आप फुटपाथ पे चला करें। अब फुटपाथ क्या होता है? तो ये जो ये होते हैं रोड के कॉर्नर साइड जो ये होते हैं, इन्हें हम फुटपाथ कहते हैं। आजकल तो लोग इन पे से भी गाड़ी चलाने लगे हैं, पर ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग इसी पे से चला, फुटपाथ पे ही चला करिए। और ये क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। अब अगर आप ये रोड है, यहाँ से व्हीकल्स आती जाती रहती हैं, तो यहाँ आप खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपको जाना है, तो यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी रहती है। जैसे कि ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, तो इसी पे आप आया करिए, इसी से रोड क्रॉस करा करिए। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमें जो रोड है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए, नहीं तो देखा जाएगा कि आपको एक्सीडेंट, आपका चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। वी मस्ट लुक एट द राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन, हमें पहले राइट देखना चाहिए फिर लेफ्ट देखना चाहिए फिर राइट देखना चाहिए अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। क्रॉसिंग जब हम रोड को क्रॉस करते हैं उसके अगेन, क्रॉस द रोड ओनली इफ इट इज द क्लियर। क्रॉस रोड को उसी समय क्रॉस करना चाहिए जिस समय वो क्लियर, साफ हो, कोई व्हीकल ना जा रही हो। और आप तो ये जानते हैं, लाल बत्ती जब दिखे तो रुक जाओ, पीली बत्ती जब दिखे तो जल्दी से रेडी हो जाओ, और हरी बत्ती जब दिखे तो भागने के लिए, भागते नहीं पर रोड पे क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाओ। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक लाइट, ये जो ये होते हैं इन्हें ट्रैफिक लाइट्स कहते हैं, हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, हमें जो रोड होता है हमें उस पर दौड़ना या खेलना नहीं चाहिए। इट मे कॉज एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट हो सकता है। व्हेन वेटिंग फॉर ए बस, जब भी बस के लिए वेट करते हैं, वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड इन ए क्विक, हमें हमेशा एक लाइन में बैठना, लाइन में
खड़े रहने चाहिए ताकि एक एक करके बस चले। ये नहीं कि अरे हम पहले जाएंगे ये पता चला कि किसी को चोट लग गई, ऐसा नहीं करते। चढ़ेंगे तो आप बस ही में ना, नहीं तो सबको लगता है कि ये मेरी सीट है, हम इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे, विंडो के साइड बैठेंगे, आगे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, ऐसे करते करते लोग को चोट लग जाती है। नेवर पुश अदर वैन गेटिंग इन टू द बस। हमें किसी को भी धक्का जैसे ये अगर ये बोल देगा कि मुझे पहले जाना है, ये मुझे पहले इसको ढकेल के सब नीचे गिरा दिए, सब इधर उधर झगड़ा करने लगे, तो उसमें इसको चोट लग सकती है या तो किसी को भी चोट लग सकती है। इसलिए धक्का मुक्की कभी नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस। हमें चलती बस में चढ़ना है। जैसे कुछ लोग लेट हो जाते हैं जब बस चलने लगती है तो दौड़ दौड़ के आते हैं, चलती बस में ही चढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बस रुकवा लेनी चाहिए फिर चढ़ना चाहिए। या तो कुछ लोग को बहुत जल्दी रहती है, वो लोग बस रुकी नहीं तब से तुरंत तुरंत निकल गए, ये तो कोई पीछे से धक्का दे दिया। जब बस रुकती तभी आपको बस में खड़ा होना चाहिए, और बस में तो आपको किसी व्हीकल में खड़ा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट नॉट लर्न आउट ऑफ द डोर और विंडो ऑफ कार वैन और बस। हमें किसी भी कार बस जो भी है ये सब कार बस और उनकी विंडो से वैन के विंडो से इन सब के विंडो से कभी भी बाहर झांकना नहीं चाहिए। नहीं अपना कोई भी पार्ट बॉडी का कोई भी पार्ट आपको विंडो के बाहर निकालना है चलती हुई बस में, तो खासकर चलती हुई बस में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब सेफ्टी रूल्स थे, क्या क्या थे। हमें केयरफुल रहना चाहिए रोड क्रॉस करते समय, और हम लोग को और एक और बात, हम लोग को ईयरफोन लगा के ट्रैफिक रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो हम लोग को एक बार राइट फिर लेफ्ट फिर राइट देख लेना चाहिए। हम लोग को फुटपाथ से वॉक करना चाहिए, जाना है रोड पे से नहीं जाना चाहिए, और हम लोग को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, और हम लोग को ट्रैफिक सिग्नल देख लेना चाहिए, और हम लोग को रोड पे खेलना है या दौड़ना नहीं चाहिए। और हम लोग जब बस के लिए वेट करते हैं हम लोग को एक लाइन में खड़ा होना चाहिए, और हम लोग को धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। इधर धकेलो, मुझे पहले जाना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे इसके साथ खड़ा होना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और हम लोग को जब बस चलती रहे या रुकती रहे आपको चलती हुई बस में से नहीं उतरना चाहिए। जैसे बस चलने वाली है तब से कुछ लेट हो गए, आज चलती हुई बस में से चढ़ गए, बस यहीं रुक रही है फिर भी पहले ही उतरने की कोशिश कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोग को अपना कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट विंडो के बाहर नहीं निकालना चाहिए, कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिए। बाय बाय।